नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। 29 अक्टूबर को थाना कोतवाली शहर के नुमाइश ग्राउंड के पास साकेत कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। शिक्षिका प्रियादास शर्मा के परिजनों द्वारा आरोपी पति कमल व अन्य लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई थी। आज धनतेरस के त्योहार को देखते हुए पुलिस द्वारा जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत बिजनौर के चांदपुर रोड के दारानगर गंज के पास पुलिस चेकिंग को देखते हुए बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश राजू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी छोटू घटना स्थल से फरार हो गया है। पुलिस छानबीन में पता चला है कि 29 अक्टूबर को महिला शिक्षिका, जो कि एक महाविद्यालय में संविदा शिक्षिका थी, मृतक शिक्षिका का पति से दहेज व अन्य मामलों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपी पति ने अपने ड्राइवर विक्रांत के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कराने के लिए बदमाशों को 5.5 लाख की फिरौती दी थी। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक बदमाश राजू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजू ने पुलिस को बताया कि मृतिका के पति ने उन्हें अपनी पत्नी को मारने के लिए सुपारी दी थी। इसी सुपारी के तहत इन बदमाशों ने महिला शिक्षिका को 29 अक्टूबर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि मृतिका शिक्षिका के पति कमल ने इस हत्या के लिए बदमाशों को सुपारी दी थी, जिसमें कि तीन बदमाश राजू, छोटू व गोलू 29 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने साकेत कॉलोनी में अकेली जा रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही आरोपी पति सहित अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये सभी बदमाश मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इस घटना में पुलिस का एक सिपाही मोनू भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने स्वाट टीम सहित बिजनौर थाने की पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। दो बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला है? प्रिया शर्मा जो प्रवक्ता थे, 29 अक्टूबर को उसके पति ने बदमाशों से गोली मरवा करके हत्या कर दिया था। उसकी तलाश में और आज धनतेरस को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम को धता बताते हुए भाग रहे थे। पीछा करने पर उन्होंने फायर किया, गोली चलाई। चांदपुर रोड जो बिदुरकुटी के जंगल में फायर किया, पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उस पर गोली चलाई। एक बदमाश को पैर में गोली लगी, पूछने पर उसने अपना नाम राजू बताया और एक बदमाश और गोलू था जो भागने में सफल रहा। यह भी बताया कि जो 29 तारीख को मर्डर हुआ था, उसमें कमल ने 5.5 लाख रुपए की सुपारी दिया था। इन लोगों ने पैसा मिल बांट करके लिया है, इसको 50,000 मिला था और पैसा लेना था। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।